नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा है तो सुपरस्टार राजेश खन्ना का, लेकिन बात शमी कपूर की पत्नी गीता बाली की भी होगी। दरअसल ये पॉडकास्ट गीता बाली और राजेश खन्ना का है। राजेश खन्ना को एक्टिंग करते अभिनेत्री प्रोड्यूसर गीता बाली ने एक रोज़ देखा था और देखा तो फिर उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी और गीता बाली ने एक भविष्यवाणी कर दी कि एक दिन फिल्म इंडस्ट्री पर तुम राज करोगे। और फिर क्या था, इस भविष्यवाणी के बाद ज्योतिषी के पास पहुंच गए थे राजेश खन्ना। हिंदी सिनेमा के इस दौर में यूं तो कई सितारे आए और चले गए, लेकिन राजेश खन्ना का जो सुपरस्टारडम था, वो जो 15 से 17-18 तकरीबन फिल्में थीं बैक टू बैक एक के बाद एक सुपरहिट, ये स्टारडम आज तक न कोई हासिल कर पाया और न ही कोई काका के उस रिकॉर्ड को अब तक तोड़ पाया है। हिंदी सिने जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को एक्टिंग का शौक हमेशा से था। जब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब थिएटर किया करते थे। अपनी एक्टिंग को लेकर राजेश खन्ना इतने समर्पित थे कि एक नाटक के लिए कई दिन घंटों रिहर्सल किया। राजेश खन्ना वार्डन रोड के भोला भाई देसाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में अपने ड्रामे की रिहर्सल करते थे। वहीं राजेश खन्ना को एक्टिंग करते अभिनेत्री प्रोड्यूसर गीता बाली ने देखा था और उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी थी। अभिनेता अनु कपूर ने अपने रेडियो शो सुहाना सफर विद अनु कपूर में इस किस्से का एक रोज जिक्र किया। उन्होंने बताया था कि गीता बाली का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में राजेश खन्ना अपने नाटकों की रिहर्सल किया करते थे। उन्हीं दिनों गीता बाली ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा था। गीता बाली राजेश खन्ना को रिहर्सल करते देखती तो उनका समर्पण देखकर दंग रह जाती थी। एक दिन उन्होंने राजेश खन्ना को बुलाया और उनसे कहा कि उनकी एक फिल्म में काम कर लें। गीता बाली ने राजेश खन्ना के लिए एक भविष्यवाणी भी की, एक दिन तुम फिल्म इंडस्ट्री पर राज करोगे, देख लेना। राजेश खन्ना को एक्टिंग से लगाव तो था, लेकिन वो बस थिएटर किया करते थे। उन्होंने फिल्मों में काम करने का तो कभी सोचा ही नहीं था। फिल्म का ऑफर मिलने पर वो परेशान हो गए। राजेश खन्ना को ज्योतिष शास्त्र में काफी भरोसा था, वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानते थे, तो वो ज्योतिष के पास गए और पूछा कि क्या फिल्मों में उनका करियर सफल रहेगा। ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी और कह दिया कि वो एक्टिंग की दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। अनु कपूर के मुताबिक ज्योतिषी ने राजेश खन्ना से कहा कि वो स्टील या फिर लोहे का व्यापार करें, उनकी सफलता कामयाबी इसी धंधे में है। लेकिन ज्योतिषी की ये भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित हुई, हम सभी जानते हैं। राजेश खन्ना ने न केवल एक सफल अभिनेता बनकर फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, बल्कि उन्होंने उनकी लोकप्रियता के सभी पैमानों को भी उन्होंने तोड़ दिया। उनके जैसी लोकप्रियता आज तक किसी एक्टर को नसीब नहीं हुई। राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा जगत में आखिरी खत से डेब्यू किया था। फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया और इस फिल्म के गाने किशोर कुमार ने गाए थे, जो काफी पसंद किए गए। और इसके बाद किशोर कुमार राजेश खन्ना की एक तरीके से आवाज बन गए। लगभग उनकी हर फिल्म में किशोरदा नजर आते, उनकी आवाज सुनाई देती, उनके गीत होते। काका ने लगातार तकरीबन 15 हिट फिल्में दी, जो एक रिकॉर्ड साबित हुआ। लेकिन इस सुपरस्टार के साथ विडंबना ये रही कि जिस तेजी से काका का सितारा बुलंदियों पर पहुंचा, उसी तेजी से धूमिल भी हो गया। हालांकि इसके कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये माना गया कि राजेश खन्ना ने थोक के भाव फिल्में साइन कर ली थी। बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना जाने, कहानी सुने, उन्हें यह लगता था कि उनकी मौजूदगी ही फिल्म की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन ये बात धीरे धीरे गलत साबित होती गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।